नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। शिक्षा जो कि हमारे जीवन को सवारने के लिए बेहद अहम है, उसी शिक्षा को लेकर फिलहाल एमपी के छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर आज सड़क पर बैठे नजर आए, क्योंकि स्कूल में उन्हें पढ़ाई नहीं बल्कि काम करने के लिए परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर शिक्षा के मंदिर में छात्रों को क्यों सजा देने का काम किया जा रहा है। यूं तो शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के भविष्य को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन तब क्या हो जब स्कूल ही उनके लिए आफत बन जाए। और ये सब कोई और नहीं बल्कि स्कूल के जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आज भोपाल में छात्राओं ने हल्ला बोला। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के मंदिर में हम अपने बच्चों को ये सोचकर भेजते हैं कि वहाँ उनका भविष्य सवरेगा, अगर उसी शिक्षा के मंदिर में कुछ लोग अपनी मनमानी के चलते बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगाने का काम करें तो, अगर उसी शिक्षा के मंदिर में उन्हें शिक्षा देने की बजाय उनसे काम कराया जाए तो, यकीनन ये गलत। और आज इसी गलत के खिलाफ भोपाल के सरोजिनी नायडू स्कूल में इन छात्राओं ने अपनी आवाज को बुलंद, क्योंकि ये छात्राएं पिछले कई दिनों से गलत को बर्दाश्त करती आ रही थी, लेकिन आज इन्होंने जिम्मेदारों को सबक सिखाने का काम। राजधानी भोपाल के शासकीय सरोजनी नायडू स्कूल में बच्चे जो है वो गेट पर हंगामा कर रहे हैं, गंभीर आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो। क्या क्या मांगे आप लोगों की? कोई सुनवाई नहीं कर रहा, नहीं कोई नहीं सुन रहा है, वर्षा मेरे को हटवाना है स्कूल से। मैं लोग बिल्कुल नहीं बच्चों की सुनती है, थोड़ा सा लेट उठाने पे ये काम करवाती है। और क्या क्या करवाते हैं आप लोग? और काम कुछ नहीं करवाते, 5 मिनट भी लेट आओ तो अंदर नहीं आने देते हमेशा का है ये। जब भी जब से ये मैडम आई है जब से ऐसा हो रहा है। बच्चे हैं बहुत परेशान हैं और इनका गंभीर आरोप स्कूल प्रबंधन पर है कि हमारी मांग पूरी करो, हमसे साफ सफाई करवाई जाती है, पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं जाता है। छात्राओं ने स्कूल के बाहर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में साफ सफाई कराई जाती है, 5 मिनट देरी से स्कूल पहुँचने पर हार धूप में खड़ा कर दिया जाता है। बोला है प्रिंसिपल मैम के हाथ कुछ नहीं है, यही जो आई है ना वही। क्या नाम है? वर्षा झा मैम। कब से पर? 2 महीने हो गए। हम लोगों सारा काम करवाती, गार्ड पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता हम लोगों ठीक से, वॉशरूम भी पूरी अच्छे से नहीं, पूरा कचरा हो रहा है, हमें भी पानी रहता है। हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास साफ करेंगे सर, हमारी भी प्रॉब्लम समझो सर, हम लोग पढ़ाई करें सर, 5 मिनट लेट भी हो जाते सर, बाहर कर देते सर, हम लोग भी तो आते इतनी दूर से आते सर, हम लोग सुबह 10:30 से 4:30 तक। इस मामले में एनजीओ के माध्यम से की गई नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रिटायर्ड कैप्टन वर्षा झा नामक को स्कूल में एचआर और स्टेट मैनेजर के पद सौंपने पर बवाल मचा हुआ। वहीं स्कूल के स्टाफ और टीचर्स का भी आरोप है कि महिला अधिकारी उनसे अभद्र व्यवहार करती है, साथ ही बेवजह की जानकारी देने का दबाव बनाती है। नहीं, हम लोगों से नहीं बोला गया था, बच्चे जो जब
दो तीन दिन पहले आए थे, एक बार मैडम ने खड़ा किया था, तब बच्चों ने पूछा था आके, हमने उनको अंदर बुलवा लिया था बच्चों को, है ना, कार्यवाही हुई थी, उसके बाद मैडम ने उनको नहीं खड़ा किया था। ये अधिकार जो है ओपन वालों ने उनको डिसिप्लिन मेंटेन का अधिकार दिया। आप ओपन के डायरेक्टर सर भी हैं यहाँ पे, ओपन ईएफए के जो है वो भी प्रभारी सर भी हैं। आप हैं, आप आपके पास अधिकार होना चाहिए क्या स्कूल के बच्चों के लिए निर्णय लिए जाएं, लिए जाएंगे। ये अभी जो हुआ है कि लोगों को समय पर आने के लिए कहा गया था, उसमें केवल हुआ उससे बच्चे तो कह रहे हैं कि साफ सफाई करवाई जाती है स्कूल में आते हैं तो। यहाँ ऑलरेडी 3 लोग स्वीपर पदस्थ हैं उसमें पूरे, और वो लगातार सफाई करते हैं। बच्चे गलत कह रहे हैं? हाँ बच्चे गलत कह रहे हैं, बच्चे गलत कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो घास वास की बात कर रहे हैं, कल नगर निगम वाले ही पूरा काट के गए, ये नहीं है, ये किसी ना किसी का इंस्टिगेशन है। ये देश का भविष्य है जिनकी केवल इतनी गुहार है कि उन्हें बिना किसी परेशानी के पढ़ाई करने दी जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सवाल यही है कि बेटियों की शिक्षा और बेटियों के हित में बड़े बड़े दावे करने वाले ये सुनिश्चित क्यों नहीं करते कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको इन छात्राओं के आरोप भी बता देते हैं, जिससे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर जहां इन छात्राओं को शिक्षा मिलनी चाहिए वहां किस तरह बच्चों से काम कराया जा रहा है। दरअसल छात्राओं का कहना है कि स्कूल में उनसे साफ सफाई कराई जाती है, 5 मिनट देरी से आने पर उन्हें सजा दी जाती है, और स्कूल में पढ़ाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम सफाई करवाई जाती है, झाड़ू लगवाया जाता है। स्कूल समय में बदलाव की मांग भी छात्राओं की तरफ से की गई है, और छात्राओं का स्कूल प्रबंधन पर कई तरह का आरोप भी है। छात्राओं के प्रदर्शन के बाद ओपन बोर्ड के डायरेक्टर की ओर से बड़ी कार्रवाई भी की गई है, जहां एक तरफ कैप्टन वर्षा झा इनके खिलाफ छात्रों ने कई शिकायतें की, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। वहीं जो बच्चे देरी से आते हैं उन्हें 11 बजे तक का समय दिया जाएगा, जो बच्चे दूर से आ रहे हैं उन्हें मैपिंग कर निजी बस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। जो बच्चे विलंब से आ रहे हैं उनको 11 बजे तक का समय दिया जाएगा, तो जब तक प्रेयर होती है, प्रेयर के बाद फिर वो उनसे मिलेंगे। तो ये बच्चों ने ही तय किया है कि तो 11 बजे तक का समय दे देंगे तो हमारा काम नंबर एक। सफाई वाला जो कुछ लोगों ने कहीं कहा है ये वाली चीज़ें, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस विद्यालय में 3 स्वीपर सफाई कर्मी ऑलरेडी हैं, ये आपके साथ में हैं, आप इनसे पाएंगे कि यही आपको बताएंगे, इन तीनों के रहती कोई बच्चा टॉयलेट वगैरह कोई साफ क्यों करेगा। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा के राज में छात्राओं, बेटियों, महिलाओं पर अत्याचार जारी है। अब मामला भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का आया है, जिसमें लेट आने पर छात्राओं से सफाई कराई जाती है। इस मांग को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन, क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हकीकत, तो ये एक ट्वीट किया गया है। अब एक तरफ ये पूरा मामला है, वहीं दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी, जहां बीजेपी का कहना है कि मामले में तत्काल कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अनुशासन के नाम पर छात्राओं को लंबे समय तक धूप में खड़े कर देना, कई छात्राएं बेहोश हुई हैं और छात्राएं उग्र हो रही हैं, इसका मतलब है कि कोई जायज मांग है। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार अपनी प्राथमिकता में महिलाओं की, बच्चों की शिक्षा को नहीं रखती है, उस सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि ये बच्चे मध्य प्रदेश का भविष्य हैं, और इन बच्चों को की मांगों को अविलंब जो है वो मानकर इस मसले का गतिरोध खत्म करना चाहिए। नहीं देखिए, कांग्रेस तो कुछ भी कह सकती है, माननीय जीतू पटवारी की कांग्रेस है, जो मर्जी आए वो कहें, परंतु जीतू पटवारी जी, आपकी कांग्रेस की सरकारों के दौरान जो हुआ, यदि ये प्रदर्शन कहीं कांग्रेस की सरकारों वाले राज्य में हुआ होता तो वहाँ बेटे बेटियों के साथ किस निर्ममता का व्यवहार होता, ये देश का इतिहास जानता है, ये मध्य प्रदेश भी जानता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम छात्रों के हित में काम करते हैं और करते रहेंगे, परंतु प्रबंधन का जो जिम्मेवारी है उससे भी हम पीछे नहीं हटे। तो एक तरफ छात्रों की मांग है और वहीं दूसरी ओर कार्रवाई की बात कही जा रही है, और इन सबके बीच कई तरह के सवाल पर भी हैं जिन पर जिम्मेदारों को सोचने की जरूरत है। सवाल यही कि क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हकीकत,
स्कूलों में छात्रों से सफाई आखिरकार क्यों कराई जा रही है, यह भी सवाल उठ रहा है। और शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के लिए आखिरकार जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है, कब सुधरेंगे सरकारी स्कूलों के हालात, ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपको हमने जो हर एक तस्वीर दिखाई है वो किस तरह की शिक्षा व्यवस्था फिलहाल के लिए बनी हुई है मध्य प्रदेश के स्कूलों में, हर एक तस्वीर आपको हकीकत बयां करती है और जो दावे किए जाते हैं उनकी स्थितियां क्या हैं, उनकी सच्चाई क्या है, वो भी आपको ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब मध्य प्रदेश में जो फिलहाल स्थितियां बनी है उसकी स्थिति जानेंगे। राहुल सिंह राठौर हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। राहुल, आपने हर एक छात्रा की आवाज को सुना था जो कि उस वक्त वहां पर मौजूद थी अपने विद्यालय में। छात्राओं का साफ तौर पर यह कहना था कि हमसे साफ सफाई कराई जाती है, पढ़ाई को लेकर के दुरुस्त व्यवस्थाएं नहीं है, लेट आने पर उनसे मैदान साफ कराया जाता है। अब इन तमाम बातों को लेकर के कार्रवाई तो कर दी गई, जिस शिक्षिका के ऊपर सवाल उठाए गए थे उसको भी हटा दिया गया, तो क्या इस तरह के प्रदर्शन का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, कार्रवाई अगर पहले ही हो जाती और बच्चों की बातों को गंभीरता से ले लिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते जो शासन का नुकसान हुआ है, क्योंकि बच्चों ने भी जमकर उत्पात मचाया। इतने आक्रोशित थे बच्चे कि अंदर केबिन में तो घुसकर टेबले, कांच, खिड़कियां, पंखे, जो उनके हाथ में आया पत्थर से वो फोड़ते चले गए और पूरा तहस नहस कर दिया स्कूल। देखिए, बच्चों ने शुरुआती प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्वक किया और अपनी मांग रखी, लेकिन जब कोई जिम्मेवार उनके पास नहीं पहुंचा तो बच्चे उग्र होते गए और ये इस तरह की तस्वीरें सामने आई। देखिए, बच्चों का उग्र होना जायज है क्योंकि दो महीने से बच्चों का आरोप है कि दो महीने से वो लगातार लिखित और मौखिक दोनों रूप से शिकायतें कर रहे थे, लेकिन उसको गंभीरता से ना प्रधान अध्यापिका ने लिया और ना ही प्रधान अध्यापिका के ऊपर जो वर्षा झा को नियुक्त किया गया है ओपन बोर्ड की ओर से उन्होंने लिया, क्योंकि वो तो खुद ही बच्चों को प्रताड़ित कर रही थी, ऐसा गंभीर आरोप उन पर लगाए। देखिए, आज जब बच्चे आक्रोशित हुए तो वो वर्षा झा के केबिन में भी घुसे और जमकर नारेबाजी की। बच्चों का एक ही कहना था कि जब भी हम स्कूल पहुंचते हैं या पांच मिनट भी लेट हो जाते हैं तो ये जो वर्षा झा मैडम है ये उन्हें धूप में खड़ा कर देती हैं, धूप में खड़ा नहीं करती हैं तो स्कूल से भगा देती हैं। इसके अलावा उन्होंने गंभीर आरोप ये भी लगाए कि अंदर के जो वॉशरूम है वो साफ सफाई करवाए जाते हैं। हालांकि इन सभी आरोपों से जो ओपन बोर्ड के डायरेक्टर हैं उन्होंने नकारा, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी 3 यहां पर स्वीपर हैं और वो लोग काम करते हैं। जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो उनका ये कहना था कि इनसे कोई ये करवा रहा है और इनको एक एजेंडे के तौर पर यहाँ पर पेश कर रहा है। तो देखिए, ये बच्चे हैं, शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और अगर बच्चों को एजेंडे के तौर पर ये तो देखिए सवाल ही नहीं उठता कि बच्चों को एजेंडे के तौर पर वहां पर खड़ा किया गया। और देखिए, बच्चे जो है वो खुद परेशान थे और ये स्पष्ट था क्योंकि उनकी जो जिस तरह से बच्चे रोते बिलखते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर तक आ गए थे, तो बच्चे खुद ये बयां कर रहे थे कि उनकी परेशानी क्या है। वो इतने प्रताड़ित हो गए थे कि कोई सुनना नहीं चाहता था, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया। हालांकि इस पूरे मामले में ओपन बोर्ड के डायरेक्टर ने कार्रवाई की है और तत्काल प्रभाव से वर्षा झा को हटा दिया है। देखिए, बताया जाता है कि जो वर्षा झा है रिटायर्ड है आर्मी से और उसके बाद अब प्रधान अध्यापिका के ऊपर पदस्थ की गई है एचआर और ई स्टेट के पोस्ट पर स्कूल में, और व्यवस्थाओं से संबंधित ही इनको यहां पर नियुक्त किया गया था। लेकिन जब बच्चे प्रताड़ित हुए आज तो ये तस्वीरें, इन तस्वीरों ने जो है जिम्मेवारों की पोल खोल कर रख दी और अब देखिए इस पूरे मामले में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए इस तरह से उन्हें सजा दी जा रही थी और ऐसी सजा जिससे बच्चों की पढ़ाई का जो एक लगाव होता है वो टूट जाए, बच्चे धरने देने के लिए मजबूर हो जाए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाए, तोड़फोड़ करने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये कैसा डिसिप्लिन है? और साफ तौर पर अगर बच्चे ये आरोप लगाते हैं कि उनसे साफ सफाई करवाई जा रही है और टीचर्स का ये कह देना, डायरेक्टर का ये कह देना कि उन्हें एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कौन सी मानसिकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो जिम्मेवारी से बचने का एक तरीका है, वो अपनी जिम्मेदारी को छुपाना चाहते हैं, वो अपने ऊपर आरोपों जो आरोप लग रहे हैं उसको खारिज करना चाहते हैं, बस इतना सा बोलकर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, हमने वो तस्वीरें भी आज देखी और खुद जो है स्कूल प्रबंधन को सूचना दी, जब बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो कई बच्चियां उसमें बेहोश भी हुई, हमने स्कूल प्रबंधन को तत्काल सूचना दी कि इनको आप जो है तत्काल हॉस्पिटल ले जाइए या फिर जो भी इनके लिए
प्रबंधन हो सके वो कीजिए। ना वहां पर बच्चों के माता पिता को सूचित किया गया था जिससे माता पिता पहुंच जाए, ना वहां पर जिला प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मौजूद दिखा, ना पुलिस प्रशासन का वहां पर कोई बड़ा अधिकारी मौजूद दिखा। इतने बड़े प्रदर्शन में इतनी बड़ी लापरवाही, और अगर वहां पर बच्चों को कुछ हो जाता तो आज उसका जिम्मेवार कौन होता, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, क्योंकि एक एक तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रदर्शन के दौरान दिखाई, और ये लापरवाही है। अगर ये आज इतनी बड़ी लापरवाही दिखी गई तो बीते दो महीने से कितनी लापरवाही होगी ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए अब इस पूरे मामले में आगे क्या जांच होती है और कितने लोगों पर गाज गिरती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे और भी स्कूल होंगे जहां पर बच्चे प्रताड़ित हैं। अगर बच्चों की काउंसलिंग होना चाहिए, बच्चों से समय समय पर बात होना चाहिए, बच्चों की जो परेशानियां हैं उनका समाधान होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और कुछ बन पाएंगे, देश का भविष्य संवार पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राहुल। और अब आपको दिखाते हैं रीवा और बड़वानी से आई हुई तस्वीर। यहां भी छात्रों को शिक्षा हासिल करने के लिए हर दिन कई तरह की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शिकायत के बावजूद छात्रों को फिलहाल आश्वासन ही मिल रहा है। आज जिस दौर में हम एक समृद्ध और शक्तिशाली देशों में भारत को देखते हैं, उस दौर में भी अगर बच्चों को अपने भविष्य के लिए हर दिन जंग लड़नी पड़े तो ये वाकई चिंता की बात है। लेकिन अफसोस, ऐसी खबर और ऐसी तस्वीरों पर जिम्मेदारों की नजर ही नहीं। सबसे पहले रीवा के मनगवा विधानसभा क्षेत्र से आई ये तस्वीर देखिए, जो कि वाकई हैरान कर देने वाली है। ये बच्चे हर दिन स्कूल जाने के लिए इसी तरह की जद्दोजहद करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मासूम बच्चे दुर्गम रास्तों से होकर अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, और इसी रास्ते से होकर कई बच्चे स्कूल जाते हैं। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इसमें अब एक वीडियो का अवलोकन कर लेंगे, और ऐसी स्थिति कुछ है कि जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जिस भी मत से हम अवेलेबल करा पाए रोड को, उसमें देख के कार्रवाई कर लेंगे। और अब जरा बड़वानी से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। मामला सेंधवा विकास खंड का है, जहां शिक्षकों की कमी के कारण पिछले तीन महीने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिसके बाद छात्र अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिलने पहुंचे। हालांकि बीच रास्ते में ही छात्रों से नायब तहसीलदार ने बातचीत की। हमारे तीन महीने से स्कूल लगे हुए, टीचर एक भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं पढ़ाई हुई है, आज और परेशान होकर बच्चे सब बाहर निकल गए। क्या चाहते हैं आप लोग? टीचर हमको चाहिए। क्या समस्या हो रही है? हमारे यहाँ टॉयलेट और ये पानी की व्यवस्था भी नहीं अच्छी है, और खाना भी कम बनता है, अच्छा नहीं बनता। नोरा गांव के कुछ बच्चों ने मार्च पास्ट करके एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए बात करने जा रहे थे, तो हम लोग रास्ते में ही उनसे चर्चा करी हम लोगों ने, तो बच्चों की कुछ समस्या है कि पढ़ाई को लेके यहाँ पे टीचर नहीं आ रहे हैं, अतिथि शिक्षक जो यहाँ पे पदस्थ थे वो भी नहीं आ रहे हैं, तो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने अब सीओ अपने बीओ सर से बात करी है, तो जितने भी जल्दी होगा अपन यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियाँ करा देंगे ताकि पढ़ाई सुचारू हो सके। सर, यह है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल, जहां छात्र कितनी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल समाधान की जगह आश्वासन से ही जिम्मेदार काम चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।